हे गाइस वेलकम टू माय चैनल अनदर न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में क्या देखने वाला है कि अभी टाइम 4 बज रहा है गाइस, टाइम 4 बज रहा है। आज क्या है कि मट्टू का सेंट्रल जा रहे हैं, वहाँ पे क्या मिलते हैं वही आज देखने वाले हैं। आइए वीडियो के अंदर जाते हैं। जो ये गाइस फाइनली हम मट्टू का आ चुके। अभी यहाँ पे क्यों आए कि एक इडली डोसा वड़ा ये खाने के लिए आए। यहाँ पे बेस्ट इडली वड़ा मिलता है, वही आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आइए टेस्ट करते हैं। कबूतर खाना है जगह। ओके, मट्टू में कबूतर खाना है ना? हाँ, मट्टू का ईस्ट सेंट्रल मट्टू। ओके, सेंट्रल मट्टू सेंट्रल मट्टू का ना? हाँ। ओके गाइस, देखिए उनका टाइमिंग देखिए, 11 से 3 बजे तक है और इसके बाद बेस्ट मिलता है। चालू रहता है ये, राइस खाली टाइम में। ओके, ये राइस का खाली रखा है गाइस, इनका पूरा दिन भर चालू सुबह से रात को 9 बजे तक रहता है। इनके पास राइस भी मिलता है। हाँ, चलिए वो भी एक दिन आपको ट्राई करते हैं। गाइस देखिए राइट हैंड साइड पे दुकान है, वो देखिए छोटा सा स्टॉल ही है उनका। वो देखिए एक मैंने एक वड़ा और एक इडली लिया हूँ, देखिए आपको दिखता रहेगा। कोकोनट चटनी दिया और एक लाल चटनी दिया है। देखिए वड़ा देखिए ना कितना सॉफ्ट है, देखिए और कितना क्रिस्पी है, और उसका जो जो वड़ा का है ना वो स्मेल है ना इधर तक आ रहा है। वो इडली ट्राई करते हैं, इडली बन गया गाइस। इडली गाइस, इनका जो चटनी है ना बहुत अच्छा रहता है। मैं बहुत बार इधर आया हूँ, तो देखिए ना चटनी आपको देखिएगा, ये कोकोनट चटनी है। कोकोनट में ये अपना कोकोनट और मिर्ची ये सब डाला हुआ है। इडली सॉस टमाटर, टमाटर ये जो लाल चटनी है ना ये टमाटर चटनी है, ये दिख रहा है ना आपको, ये लाल चटनी जो है ना वो टमाटर चटनी है। और इडली है ना इतना सॉफ्ट है ना, जैसे ऐसे गले से ऐसे तुरंत उतर जाता है। वड़ा छोड़ के खाएगा तो सब टेस्ट है। कैमरामैन को खिला दूंगा गाइस, वो तो पहला खाता है, फर्स्ट टाइम मैं पूरा प्लेट खत्म कर रहा हूँ, नहीं तो आधा तो वही ले लेता है। अभी है ना अपन वड़ा फिनिश करके ना है ना उनके पास और दो चीज़ मिलती है, वो भी ले ले, वो भी हम आपको दिखाता हूँ। गाइस मैंने देखिए उनके पास है ना केसरी एक लिया हूँ और एक उपमा लिया हूँ। उपमा के साथ है ना वो देखिए वही व्हाइट चटनी और रेड चटनी उन्होंने दिया है। उपमा इतना गर्म है और ये केसरी इतना गर्म है, इसको केसरी सिरा बोलते हैं। चलिए टेस्ट करके देखते दोनों को है ना। उपमा ट्राई करता हूँ गाइस। उपमा ये जो है ना रवा से बनता है। चांस नहीं गए, इतना बढ़िया बनाया ना उन्होंने। इसमें ना उन्होंने ये अपना दाल और मिर्ची बहुत सारा चीज़ डाला हुआ है, टेस्ट ही बहुत अलग है। बढ़िया चीज़ है गाइस, आप मस्ट ट्राई करिए एक बार। और इतना गर्म है ना, अच्छा है।
और ये सब है ना उसको चबाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक अंदर जा रहे हैं हम। ये हमारा घर पे सब ब्रेकफास्ट में रहता है। सॉफ्टनेस देखिए गाइस, ये देखिए दाल मिर्ची, ये बीन्स भी डाला हुआ है, राय ये सब डाला हुआ है चटनी के साथ लेके। देखिए 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 ऐसा मेल्ट हो गया इतना कुछ, ऐसा डाला तो तुरंत ऐसा मेल्ट हो जाता है। जैसे देखिए अभी मैंने सीरा लिया है, ये देखिए ना हलवा जैसा है, एक बाइट लेके देखता हूँ कैसा है। गाइस इसमें वो मैंने घी डाला है ना उसका टेस्ट अलग दिख रहा है, डिफरेंट मस्त है। और उसमें अपना इलायची ये सब फ्लेवर डाला है, वो फ्लेवर भी अलग से दिख रहा है, बहुत बेस्ट है गाइस ये भी। गाइस देखिए उनका स्टॉल देखिए, कितना छोटा स्टॉल में इतना बढ़िया सा टिफिन दे रहे, बोले ना चांस ही नहीं गाइस। और इसका प्राइस भी है ना इतना कम है ना, 40 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, और इडली वाला जो है ना वो 30 रुपये मिल रहा है। ये देखिए पीछे आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए वो मटंगा का ब्रिज है सेंट्रल का, दिखता रहेगा आपको, वहाँ से है ना स्ट्रेट आएंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे ही इनका है। ओके गाइस अभी यहाँ से इसको ख़त्म कर दें, अभी इस अपोजिट में एक होटल है, वो होटल आपको दिखाता हूँ मैं। ओके गाइस सुरेश लाइन खड़ा रहना पड़ेगा रे, राम अक्षय पूरे देखिए पूरा लाइन लगा हुआ है। ये है ना उस जो अपन ने अभी टिफिन खाया था उसका ऑपोजिट में ही है राम अक्षय करके। गाइस हमने अभी है ना एक मसाला डोसा और रसम वड़ा बोला है, ये जो यहाँ पे वो बहुत फेमस है, चलिए देखते वेट करते। गाइस ये रसम वड़ा है, ये देखिए रसम देखिए रसा जैसा है, उसके साथ में इन्होंने चटनी दिया है, चलो ट्राई करते हैं। बबुल्स आ रहा है, एक नंबर है गाइस, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। देखिए गाइस रसम में वड़ा कैसा ये डूब रहा, देखिए एक नंबर है। सूर्य तेरे लिए भी ले रहे हाँ, ये अच्छा है सूर्य बेस्ट है, एक बोल देता हाँ। रसम एक नंबर अल्टीमेट गाइस। अब गाइस ये देखिए मसाला डोसा आ गया, कौन टाइप है देखिए अंदर मसाला है, दिख रहा है आपको ये पांच डोसा कैसा खाने का बताता आपको, यहाँ से है ना बीच में से सहूल गिराने का। स्टार्ट नहीं किया क्या, ये देखिए गाइस मसाला आपको दिखता रहेगा। देखिए कैसा आ रहा है, अभी है ना अपन मसाला के साथ एक बाइट लेंगे। ये गाइस एक अभी सांभर के साथ डिप किया, तो चटनी ले लेते हैं। समा समा ये उनका जो मसाला है ना बहुत मस्त है। इधर मसाला डोसा बहुत फेमस है गाइस, डोसा देखिए
आपको अंदर से देखो कैसे दिखते रहेगा, बैटर देखे देखिए इधर है ना, इतना कड़क है ना उसको हमने ऐसा बनाया। अल्टीमेट है गाइस, उनका सांभर भी बेस्ट है। मैं सोच रही चटनी की इतना कम दिया उन्होंने, सीरियसली बोल रहा चटनी बिना इसको खा सकते हो, उतना टेस्टी है, एक नंबर। चटनी ना देखिए खाली ज़्यादा कर कोपरा ही है, देखिए कोपरे का चटनी है, एक नंबर चटनी है। हमने बाहर खाया ना उधर का, इधर का चटनी ना बहुत फर्क है गाइस। अभी है ना मैंने एक फिल्टर कॉफ़ी मंगाया, टेस्ट करते हैं फिल्टर कॉफ़ी कैसा है करके। बहुत गर्म है गाइस, एक नंबर है फिल्टर कॉफ़ी, मेरे बेस्ट बहुत बेस्ट लगा फिल्टर कॉफ़ी यार गाइस। डोसा और ये डोसा के बाद बोलूँगा ना फिल्टर कॉफ़ी बेस्ट है उनका, बहुत अच्छा है इनका फिल्टर कॉफ़ी, लेकिन बहुत गर्म है। ओके गैस, आपने वीडियो देखा रहेगा। और गैस मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप सोचते रहेंगे कि जो फूड रिव्यू जो देता हूँ मैं, सब फूड अच्छा अच्छा करके बताता करके आप सोचते रहेंगे। गैस मैं जो है ना सेलेक्टेड होटल पे ही रिव्यू देता हूँ, उसके लिए जो अच्छे होटल का ही फूड मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसके लिए सब जिस चीज़ है ना अच्छा है तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा, वो अच्छा ही है उसके लिए मैं बोलता हूँ। ओके गैस, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना गैस, और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना, क्योंकि आप बेल आइकन तभी क्लिक करेंगे तभी मेरा अपडेट्स वीडियोस आप तक पहुंचेगी। ओके गाइस, अभी मैं साइन आउट करता हूँ, आपके महेश।